बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी हाउस ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपको यूं क्या कि इवाल्यूएट द फॉलोइंग पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने पावर जो आयोटा की पावर है उसको हमने इवाल्यूएट करना है। तो क्वेश्चंस आपको क्यों है ना, ए पार्ट बी और सी पार्ट के होने और डी पार्ट जो आपने खुद करना होता है। ठीक है, तो हम आएंगे आयोटा पावर 8 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, आयोटा की पावर 8 को हमने इवाल्यूएट करना है। तो आयोटा की पावर 8 को मैं आयोटा स्क्वायर इंटू 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बी पार्ट जो है आपके पास, बी पार्ट क्या है कि आयोटा पावर 11। ठीक है, अब आयोटा पावर जो 11 होता है इसको मैं इवाल्यूएट करूँगा कि आयोटा स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, इंटू आयोटा, ये इक्वल हो जाएगा कि -1 की पावर 5, ठीक है, क्रॉस आयोटा, ये क्या बनेगा, -1 की पावर 5, ये -1 इंटू आयोटा, ये माइनस आयोटा बनेगा। ठीक है, अब इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट क्या गिवन है क्योंकि आयोटा पावर 42, आयोटा पावर 42 को मैं लिखता हूँ कि आयोटा 40 क्रॉस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा 40 को आगे मैं इवाल्यूएट करूँगा कि आयोटा पावर 20 ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इनटू आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास, आयोटा स्क्वायर को मैं अंदर कर लेता हूँ तो ये बनेगा आपके पास आयोटा स्क्वायर होल पावर 20। ठीक है, ये क्या बनेगा, आयोटा पावर 2। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 के बराबर है। ठीक है, और ये 20 आ जाएगा, और ये क्या बनेगा कि पास आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। तो दिस इम्प्लाई दैट -1 की पावर 20 ये 1 बनेगा। ठीक है, क्रॉस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो 1 क्रॉस -1 = -1। ठीक है, तो ये हमने जो पहले 3 क्वेश्चन के जो 3 पार्ट है उसको हमने कंसिडर कर दिया है, बाकी जो एक पार्ट रहेगी वो हमने खुद करना है। अच्छा, इसके बाद जो है हमने क्वेश्चन नंबर 5 को ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि क्या कह रहे हैं कि आयोटा पावर 5 × 5 + 7 आयोटा। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे कि आयोटा 5 + 7 आयोटा। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट आप सिर्फ ये करें कि आयोटा को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बनेगा कि पास 5 आयोटा + 7 आयोटा होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास आयोटा 5 बना +7 × आयोटा² - 1 के बराबर। ठीक है, फिर इसके बाद ये बनेगा आपके पास आयोटा 5 + 7 × -1, तो दिस इम्प्लाई दैट आयोटा 5 - 7 बनेगा। ठीक है, तो इसको तरतीब दे तो हमें -7 + 5 आयोटा बना। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट क्या है कि आयोटा, ठीक है, 4 - आयोटा + 4 आयोटा × 1 + 2 आयोटा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा कि आयोटा, ठीक है, 4 - आयोटा + 4 1 + 2 आयोटा। ठीक है, तो दिस सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा कि पास आपके पास बनेगा 4 आयोटा - आयोटा² ठीक है, फिर ये बनेगा आपके पास 4 और 8 आयोटा बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे ये 4 आयोटा - (-1) + 4 + ये बना आपके पास 8 आयोटा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि 4 आयोटा, ठीक है, +1 + 4 आयोटा कर दे इसको, और ये 8 आयोटा² ठीक है, अब ये इसका मतलब ये हुआ कि 8 आयोटा + 1, ठीक है, +8 × -1, ठीक है, यहाँ से आइए, अब 8 आयोटा + 1 ये बनेगा कि पास 8 आयोटा + 1 - 8, अब इसका मतलब ये हुआ कि -7 + 8 आयोटा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे कि 2 - 3 आयोटा × 4 + आयोटा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा कि पास 2 - 3 आयोटा × 4 + आयोटा। ठीक है, अब इसके बाद
क्या हो जाएगा इसके बाद, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर लेते हुए बनेगा आपके पास 8 + 2i - 12i - 3i² ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 - 10i बना प्लस 3, तो इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास क्या बनेगा 11 - 10i, ठीक है। अब अगेन इसका जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 है वो क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 8 जो है वो आपके पास है कि 1/2 ठीक है -1/4 (2/3 + 5/3)। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो क्या बनेगा पास, आपके पास ये बनेगा 1/2 - 1/4 (i) बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 2/3 + 5/3 (i), तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बना 1/3, ठीक है।